हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तो, मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार, निराकार साकार तो, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम पार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संग जी, प्यार से कहना धन अंगार जी, महाराष्ट्र के ये जोनल समागम पे जहाँ सभी ने इतना सारा आनंद जो मिला किसी भी भाषाओं में, मैसेजेस सबके वही कि ये परमात्मा ही सत्य है, बाकी संसार माया है। ये संसार में हम आए हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभाएं, क्योंकि एक बच्चा अगर एक घर में जन्म ले रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज धीरे से वहीं से ही शुरू हो जाती हैं और अंतिम श्वास तक वो है, क्योंकि वो अपने घर का भी पार्ट है, वो अपने समाज का भी पार्ट है, वो एक ब्रॉडर विजन में इस संसार का पार्ट है। तो कैसे हर कदम पे जब अपनी ये जिम्मेवारियां निभाते चले जाएं, तो कोई उसमें एक वो फैक्टर नहीं आता कि ये इस तरह करनी चाहिए थी कि नहीं। कि एक अगर स्टूडेंट है तो फिर एक पढ़ाई, उसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो एक सिंगिंग में अच्छे हों, चाहे स्पोर्ट्स में अच्छे हों, पर एक पढ़ाई का जो बेस फैक्टर है वो कॉमन ही है। तो उसी तरह अगर हम ये बात ब्रह्म ज्ञान से जोड़े अपने कि एक संसार में मनुष्य बने हैं, तो एक बेस फैक्टर हमारा कि हम इस शरीर में आए हैं, ये आत्मा जो हमारे अंदर है, परमात्मा का अंश। तो जब तक इस ब्रह्म ज्ञान से इस परमात्मा की एक पहचान नहीं हो जाती, हमें एक अपनी पहचान नहीं होगी। और फिर एक जिंदगी में अगर इंसान कहलाने के लायक है, चाहे वो वैल्यूज बचपन से स्कूलों में भी सीखते हैं, घरों में भी सीखते हैं, पर वो एक जो एक स्पेशल फीचर कह लें इंसानों में है, वो ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का, तो वो जब तक नहीं है, हमारा किरदार जब तक ब्रह्म ज्ञान पे चला नहीं, तब तक हम मनुष्य नहीं हैं। तो संसार में जहाँ हर एक इंसान मनुष्य बन जाए, यह कामना दातार से कि सभी के अंदर वो मानवीय गुण भर जाएं। और साथ ही जब अगर संसार में आए हैं तो अपनी जैसे लाइफ के स्टेजेस बढ़ रहे हैं, चाहे पहले बालपन से स्टूडेंट्स की, फिर उसके बाद कामकाज करते हुए, तो वो जो पीरियड होता है वो काफी लंबा भी चलता है। कि जब अगर एक
अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने परिवार को सस्टेन करने के लिए, चाहे कोई नौकरी करता है, चाहे किसी का खुद का बिजनेस होता है, तो कैसे ये जहाँ एक धन का फैक्टर होता है, एक मटेरियलिस्टिक अपनी ग्रोथ को अगर पहलू जो वो वाला है कि ये भी जरूरी है जहाँ हम ये कर रहे हैं, पर कभी भी संसार में ये धन कमाना या कामकाज एक भक्ति में हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम भक्ति तो ये सब कार्य करते हुए भी कर सकते हैं और इसी की होड़ में रहे तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अगर एम ऑफ लाइफ ही ये बना लिया कि सिर्फ अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर देना है, पल पल काम करके ये धन राशि कमानी है, तो जब तक वो सेटिस्फैक्शन मन में नहीं बैठेगी तब तक तो फिर ये हमारी एक भागा दौड़ी ये चलती रहेगी, मन में भी वो उथल पुथल कि जब काम अच्छा है तो वो खुशी आ जाएगी, जब डाउनफॉल अगर आता है वर्क प्लेस पे, चाहे वो इमोशनली हो चाहे फाइनेंशियली, तो फिर एक मन भुजा भुजा सा रहने लगेगा। जैसे एक कवि ने भी कहा है कि सब कुछ हासिल करके हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, मैंने देखा है कहीं सिकंदर खाली हाथ जाते हुए, कि कैसे एक सिकंदर बादशाह जो पूरे संसार पे फतेह करने के लिए, और कैसे उस पे एक एग्जाम्पल जो अक्सर सुनते हैं हम कि वो भी इतना कुछ हासिल कर गया पूरी जिंदगी, ये अपने आप की ये मटेरियलिस्टिक अपना ये भी ले लूं, वो जगह वो लैंड ले लूं, वो देश पे फतेह हासिल कर लूं, पर फिर भी अंत में तो अगर ये कोई हिस्सा जमीन का टुकड़ा तो साथ भी नहीं गया, कोई धन दौलत सोना चांदी कुछ भी नहीं, तो कैसे फिर वही बात कि हम जो कार्य संसार में करने आए हैं वो कर लें जब अपनी बात की परमात्मा से पहचान हो जाए, खुद की पहचान, तो फिर ये भटकन नहीं रहती आत्मा की, फिर ये मनुष्य में आए तो फिर वही कि अगर एग्जाम्पल एक चाहे हम कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो या कोई भी, कि चाहे पता है अंत में पॉसिबल सॉल्यूशंस एक टीम का जीतना दूसरी का हारना या ड्रॉ, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, फिर भी हम एक एक बॉल एक एक ओवर को एंजॉय करते हैं, जब पता ही है ये 20 ओवर के बाद खत्म ही हो जानी है गेम, तो फिर हम देख ही क्यों रहे हैं, उसका मजा ही क्यों ले रहे हैं, कोई सिनेमा में मूवी क्यों देखने जा रहे हैं जब पता है वो 2.5 घंटों में खत्म ही हो जाएगी। तो ऐसे ही जीवन को हमने जब जीना है वो इसलिए ऐसे नहीं कि चलो आए हैं तो जाना गारंटीड है, हमेशा के लिए तो ये शरीर रहेगा नहीं, तो कैसे एक एक पल में अगर हमारे वो इंसानियत रहेगी, एक एक पल में अगर परमात्मा का एहसास रहेगा, तो ही वो एक ब्लिसफुल एंजॉयमेंट हम एक एक पल में फील कर सकते हैं। हमारा मन, हमारा तन, हमारी सोच सब एक अगर आए हैं तो अपने हेल्थ को भी देंगे, जैसे अभी पीछे ही योगा डे भी था, तो कैसे उस एस्पेक्ट पे भी सबने एक जहां शरीर की महत्वता है कि जब तक शरीर तंदुरुस्त रहेगा बल रहेगा तो ही सारे कार्य एक शरीर से हम ले पाएंगे, चाहे वो सेवा रूप हो, चाहे फिजिकली जिस तरह एक कोई भी कार्य करना होता है तो उसमें शरीर का योगदान रहता है, तो कैसे हमने उस तरह भी जहाँ ये करना है और वहीं साथ में ये मन के अंदर हमारे क्या सोच हमेशा चलनी चाहिए, ये परमात्मा के एहसास से पवित्र जब मन हो जाए, और वो कोशिश हर पल, क्योंकि कभी भी ऐसा कोई टाइम नहीं मिलेगा कि एक बहुत बड़ा पैच मन के लिए स्थिति एक जैसी होती रहेगी, वो तो पल पल में कुछ भी हो जाता है कि एक सेकंड एक इंसान बहुत ही खुश और अगले ही पल कुछ ऐसा हो जाता है कि वो खुशी एकदम होठों से दूर हो जाती है, तो उस पल में भी मन में अगर हम प्यार रखेंगे, एक हर एक के लिए शुभकामना रखेंगे, अगर किसी हमारी नजर के सामने हम देख रहे हैं कुछ कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए भी अरदास की ये अगर किसी के क्वालिटी नहीं अच्छी तो वो भी किस तरह उस इंसान का भी मन तब्दील हो जाए, एक अच्छाइयों को उसका मन भी ग्रहण करे, तो यही जहाँ प्यार की बात
वहीं अगर हम संसार में भी देखते हैं इतनी डाइवर्सिटी, चाहे हर एक ने अपनी जहां जहां आस्था रखी है उस हिसाब से कितने धर्म कितने मजहब, हर एक का कॉमन मैसेज वही कि ये जो एक तो हर एक का यही रहता है कि ब्रह्म ज्ञान, एक हर एक को अपनी पहचान कर लेनी, एक इटर्नल स्टेबिलिटी की बात, और वहीं साथ में ये गुण जो प्यार का है, प्रेम क्या है। अगर हम देखें कोई भी रिलीजन को थरो स्टडी करके हर जगह यही बेस फैक्टर आ रहा है कि मेरा इश्क है, मेरा मजहब है प्यार का मजहब, इसमें कोई तफरीक नहीं, कि कैसे कोई भेदभाव के बिना वो प्यार ही प्यार चलता जाए, वो हर एक के लिए, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि चुनिंदा कुछ अपना सर्कल अपने किस्म के, नहीं वो पूरे ही ब्रह्मांड के लिए वही प्यार जो हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से। तो जब ऐसा एक नजरिया बन जाएगा, जब ऐसी एक जिंदगी बन जाएगी, तो वाकई ही वो जिंदगी मुबारक है कि हर पल जहाँ शुक्राना भाव रहे, भक्ति का मार्ग और दृढ़ रहे, वहीं ये करने का साधन जो सेवा सिमरन सत्संग, कितने ही हम अगर कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देख लें, वही मन में बात धारण करने के लिए हर एक समझाते हैं कि पहचान करने के बाद ही भक्ति संभव है। तो उसी के लिए अगर हम सोचें कि ये सदियों से रिपीटेड बात चल रही है, तो आज के जमाने में भी तो देखिए, तो एक मैसेज किसी तक कन्वे करना है वो इतना आसान है, इतना सोशल मीडिया, इतना उसका दबाव, इतना उसका विस्तार, कि एक मैसेज एक दुनिया के कोने में कुछ हो रहा है वो कुछ मिनटों में ही दूसरे तक कन्वे हो जाता है कि ऐसा एक सर्टन एक्टिविटी कहीं दूसरे देश में ऐसे हुई। और अगर हम पहले का इतिहास देखें तो उस समय तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी कैसे सब धर्म एक ही बात कर रहे हैं, चाहे वो सेम बात लगती है कानों को, तो कई बार कान बातों को अनसुने कर देते हैं क्योंकि एक ऐसे लगता है कि ये पहले भी बात सुनी हुई है। तो जो वही बात की एक चीज, शब्द पुराने हो सकते हैं पर वो मैसेज हमेशा नया ही है, वो जितना पुराना है उतना ही नया भी है। तो एक शब्दों के ऊपर ना जाके एक एसेंस हम अब अगर पकड़ें, तो उसको ही पकड़ के हम जिस तरह एक बोली भाषा का प्रयोग करते हैं, हम उसको अगर उसकी तरह ट्यून कर लें और हमको जो लगे कि हाँ ये अगर कल्चरली या सामाजिक दृष्टि से ये अब लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है नहीं है, तो कैसे उस भाषा से भी विद टाइम वो मैसेज कन्वे किया जाता है। तो वो जैसे बात वही कि मैसेज एक ही, सच्चाई तो एक ही है, चाहे उसको कुछ बोलकर उसके वर्ड्स पे ना जाते हुए नए नए वर्ड्स उसके लिए बन जाते हैं, जैसे आजकल यूथ भी काफी देखता है, एक चीज अगर हम बोलते थे उसको प्रॉपर एक भाषा में, तो आज उसके कितने एक निकनेम्स, एक स्लैंग्स, कितने वो बन गए हैं कि कंटेम्प्रेरी भाषा उसी शब्द को बोलना, पर शब्द ऐसे नए नए कि सुने भी नहीं होते, कोई शॉर्ट फॉर्म्स हो गए या कैसे भी जो होते हैं, तो वो वर्ड्स तो चाहे नहीं है पर वो बात, वो शब्द का मतलब तो वो पुराना ही है। तो हम ऐसे ही अपने जीवन में अपने आप को एक हर दिन नया बनाते चले जाएं, कि वही पुराने मैसेज को लें पर कैसे अपने आप को रोज सवारते चले जाएं कि कल से आज हम ज्यादा बेहतर हैं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जहाँ सेवा सुमिरन सत्संग, ये भक्ति, ये ब्रह्म ज्ञान, ये परमपिता परमात्मा निरंकार, इसके ऊपर आधारित अपने जीवन को करके अपने सारे ही काम हम सहज रूप में करते जाएं, ताकि किसी भी दृष्टि से एक हम पीछे ना हो, अपना एफर्ट तो पूरा करें आगे फिर इस परमात्मा के ऊपर, कि चाहे उसका कोई परिणाम निकले भी कि नहीं, चाहे वो करके कुछ अचीव हो भी नहीं, बट अगर वो हमारी कॉन्शियंस अलाउ कर रही है, वो कार्य एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदायरे में आता है, तो कभी एक आलस उसमें नहीं करना, वो करते ही चले जाना है।
तो दातार सभी पे कृपा करे। सात संग जी धन निरंकार जी। निरंकार बोलिए